हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप लोग सब अच्छे हो। और आज आप लोग के लिए मैं ये ब्लॉग को शाम से स्टार्ट कर दी हूँ और शाम का मैं इवनिंग टू नाइट रूटीन में आप लोग के साथ शेयर करूँगी और क्या क्या स्पेशल आज बनेगा वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें एंड तक। तो अभी चल रहा है शाम का मेरा पूजा और 6:30 बजे के करीब मैं शाम का पूजा दे देती हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:30 का और मैं बैठ गई हूँ पूजा देने के लिए। तो हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पता नहीं बारिश होने होने जैसा लग रहा है बट बारिश नहीं हो रहा है। और अभी तो बच्चे लोग का गर्मी छुट्टी भी स्टार्ट हो जाएगी समर वेकेशन, तो देखते हैं हम लोग समर वेकेशन में इस वक्त घर जाने का प्लान कर रहे हैं। गरम चाय बनाई जाए। यस, चाय बन रहा है, चाय बन रहा है। और आरव अभी सो रहा है, सो के नहीं उठा है, उसको उठा के उसको भी दूध देना है। और अभी बन रहा है शाम का गर्मा गर्म चाय और साथ में आरब के लिए मैं थोड़ा सा दूध गर्म की हूँ। वो अभी तक सो के नहीं उठा है और कल उसका स्कूल भी है बट अभी तक वो उठ ही नहीं रहा है। मैं तब से इसके पापा और मैं तब से उठा रहे हैं बट नहीं उठ रहा है। अभी उठा के सोफा में लाए हैं तो सोफा में भी वो लेटा हुआ है, नहीं उठा हुआ है। तो आज मैं आप लोग के साथ मेरा फेवरेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा। तो ये देखिए, मैंने दही को निकाला सबसे पहले और सारा प्रिपरेशन मैं करके रखूंगी क्योंकि ये रेसिपी चिकन का रेसिपी है। तो ये देखिए, मैंने दही को निकाला है, अभी मैं दही को फेंट के रख लूंगी अच्छे से। तो दही फेंटने से क्या होगा कि ग्रेवी में ये जाएगा तो अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएगा, वरना ये बहुत ही ज़्यादा लम्स लम्स दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और दही को मैंने एक तरफ फेंट लिया है, अभी मैं थोड़ा सा लहसुन को छील लूंगी और ये सब चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है, जैसे कि लहसुन और अदरक। तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट बना के हम इसे रखेंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगी अनियन का पेस्ट। तो ये सब सारा तैयारी एक ही बार करके रखेंगे क्योंकि फटाफट फिर बना पाएंगे, नहीं तो एक एक करके तैयारी करने से बहुत लेट हो जाता है। तो ये देखिए, प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है और इसका भी पेस्ट मैंने बना लिया है। तो जो मैं रेसिपी अभी बना रही हूँ उस रेसिपी में सारा आपका पेस्ट चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाला हुआ है पोस्तो और थोड़ा सा मैं डालूंगी काजू 8 से 10, और इसको भी हमें अच्छे से पीस लेना है, पूरा महीन करके पीसना है। और ये रेडी है पेस्ट भी। तो चलिए, फटाफट चिकन आ चुका है। अभी चिकन को अच्छे से धो रहे हैं। धोने के बाद मैडम बनाएगी इसका कुछ रेसिपी, आप लोग फिर एंजॉय करेंगे। इस रेसिपी में अगर आप चिकन को अच्छे से 1 से 2 घंटा मैरिनेट करके रखते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये कस भी जाता है। तो चिकन धुलने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी दही, और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे फ्रिज में छोड़ सकती 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि मुझे फटाफट बनाना था। तो चलिए, मैरिनेट के लिए 5 से 10 मिनट तक ही मैं छोड़ पाऊंगी।
तो मैंने डाला हुआ है दही, इसमें नमक डाल दिया है और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है एक चम्मच। इन सारी चीज़ों को इस तरह से मिला देंगे और करीब 5 से 10 मिनट तक हम इसे फ्रिज में छोड़ देंगे। उसके बाद इसका ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए कढ़ाई में थोड़ा सा घी, और इसे हमें सरसों का तेल से नहीं बनाना है। घी और सफ़ेद ऑयल जो कि बिना फ्लेवर का, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप लोग ले सकते हैं। और अच्छे से हमें तेल को गरम करना है, उसके बाद डालना है खड़े मसाले में। बिना गरम किए हुए ही डाल दी हूँ, हम लोग देख सकते हैं। तो खड़े मसाले में मैंने सूखी मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, बस यही डाला है। ये अच्छे से जब इसका कलर सुनहरा हो जाए, उसके बाद इसमें जो मैंने बना के रखा था अनियन का पेस्ट, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इतना टेस्टी लगता है, आप लोग पराठे के साथ, फ्राइड राइस के साथ, या तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए प्याज को मैंने डाल दिया है, अभी इसे हमें अच्छे से पकाना है। इतना पकाना है ना कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है ना वो चला जाए। तो पकने देते हैं करीब 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जब ये लगे कि फ्राई हो गया है। और बीच में मैंने इसमें ऐड किया था हरी मिर्च, करीब 4 हरी मिर्च मैं इसमें डाली हूँ। और अभी डाल दी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे भी हमें थोड़ा पकाना है। और इसका ग्रेवी एकदम वाइट बनता है। तो ये देखिए ये अच्छे से ये सब पक चुके हैं। अभी जो चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ये अच्छे से मैरिनेट हो गया था 5 से 10 मिनट में ही, मतलब एक्चुअली ज़्यादा लंबा टाइम तक इसे छोड़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट मेरे पास टाइम नहीं था बोल के मैं 5 से 10 मिनट तक ही छोड़ी। तो ये देखिए इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका तेल आना ऊपर स्टार्ट ना हो जाए। तो इसे हम कवर कर देंगे और थोड़ा सा ये पानी छोड़ता है इस टाइम पे, क्योंकि दही और नमक डाला हुआ रहता है तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, इसका जब तक तेल ना छोड़े तब तक। और आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई भी हो गया है, तेल भी इसका ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, इसमें तो खैर ज़्यादा मसाला गिरता नहीं है, बट थोड़ा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन मसाला, और थोड़ा सा डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। ये मसाला ऐड करने के बाद इसे भी हमें करीब 1 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मसाले हैं नहीं तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हल्का सा ही मसाला फ्राई होने तक इसे हमें पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे काजू और पोस्तू का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते। अगर आप लोग पहली नहीं बनाया है तो आप लोग ज़रूर बनाएं, और ज़रूर कमेंट करिएगा कि रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने इसे मिला दिया है, और इसे करीब ढक के हमें 1 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 ही मिनट तक। और तेल इसका ऊपर आना शुरू हो गया था उस टाइम पे, मैं थोड़ा इसमें पानी ऐड कर दी हूँ, क्योंकि अब इसे हमें ग्रेवी के अनुसार उतारना है। तो पानी ऐड की हूँ, और इस तरह से मैंने रिंग अनियन बना के रखा था काट के, वो भी मैं इस टाइम पे डाल दी हूँ ताकि थोड़ा सा बॉयल होगा तो अनियन भी सॉफ्ट हो जाएगा। और ये हमारा चिकन बनके रेडी हो गया है। तो देरी न करते हुए, अब भूख बढ़ चुकी है, अभी हम बनाएंगे रोटियां नहीं बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आटा को गूंथूंगी, क्योंकि आटा वाटा मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया है, बस चिकन बना के अभी मैं रेडी की हूँ। और देखिए अभी आटा मिला रही हूँ और आटा गूंथूंगी, उसके बाद फिर बनेंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पराठे बनने में भी बहुत टाइम लगेंगे, और कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब खाने मन कर रहा है। तो चलिए भाई फटाफट से गूंथते हैं आटा को। और आप लोग के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आता होगा कि ये नीचे बैठ के क्यों आटा गूंथती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है आटा वगैरह गूंथने में नीचे में। ऐसे तो मैं अधिकतर सोफ़ा में बैठ के ही गूंथती हूँ, लेकिन कभी कभी इस तरह से बैठ के गूंथ लेती हूँ किचन के सामने ही। और आटा गूंथना हो गया है, लगे हाथ में अपना हाथ भी धो लेती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा सूख जाता है आटा। और बॉटल में भी मैं सारा, जैसे ही बॉटल फिनिश होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं वैसे ही बॉटल में पानी भरते जाती हूँ और फ्रिज में डाल देती हूँ। और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो फ्रिज का पानी सब कोई पीते हैं, आरव को छोड़ के हम लोग दोनों ही फ्रिज का पानी ही लेते हैं। इस वाली चिकन ग्रेवी के साथ पराठे बहुत टेस्टी लगता है, तो आप लोग कोशिश करें पराठा बनाने का। तो ये देखिए ये पराठे मेरे जो है वो सेकना शुरू हो गए हैं, पराठे मैंने बना लिया है। और
और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा बेटा चिकन नहीं खाता है, तो मैं उसके लिए ऑमलेट बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा डाला है सरसों का तेल। अब मैं अंडा को फेंट के इसमें डाल दूंगी और सब कुछ रेडी है, बस ऑमलेट बनेगा, उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आरब को खिलाऊंगी क्योंकि रात भी हो गया है, 9:30 बज गया है, और उसे मैं कोशिश करती हूँ टाइमली थोड़ा उसे खिला पिला के रेडी कर दूँ। बाकी हम लोग जितना भी टाइम में खाएँ उसको टाइम से दे देती हूँ। और आरब का खाना पीना हो गया है, अभी हम लोग भी खा लेते हैं। ये सब होने के बाद मैं सारे बर्तन रात में ही धो के छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल रहता है तो फिर मन नहीं करता है। और सुबह सुबह किचन अगर आप लोग का क्लीन रहे तो उठ के बस नाश्ता वास्ता बनाओ और काम हल्का लगता है, बहुत हल्का लगता है, इसलिए मैं रात में ही क्लीन करके रखती हूँ। और बोला जाता है कि रात के टाइम में झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, ऐसे तो हर एक के घर में रहता ही है, मेरे घर में भी कभी कभी रहता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ना रहे, इसलिए मैं धो के ही रख देती हूँ। सब कुछ हो गया है और अभी सबको पीने का मन कर गया है वाटरमेलन जूस, तो वही अभी जूस बनने की तैयारी चल रही है। तो उसके लिए अदरक को इस तरह से थोड़ा सा काट लिया है और इस तरह से वाटरमेलन को भी हम लोग काट लेंगे और इसका जूस काफ़ी टेस्टी बनता है, आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो वाटरमेलन को सबसे पहले हम इसे काट लेंगे। इसमें आप लोग चाहें तो पुदीना पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं पुदीना पत्ता इसमें नहीं ऐड करूँगी। तो ये देखिए मिक्सी का जार में मैंने डाल दिया है तरबूज को, इसमें चीनी डालेंगे, अदरक डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला डाल देंगे और इसे कुछ नहीं करना है, बस ग्राइंड कर देना है और हमारा जूस बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह का छन्नी से हमें पहले इसे छान लेना है, क्योंकि सब कुछ तो हमने पीस दिया है, बीज वगैरह जो था सब कुछ पीस दिया है। तो इस तरह से अगर आप छन्नी से छानेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ बन के, मतलब खड़ी जूस निकलता है। तो ये बन के रेडी हो गया है जूस हमारा। रेसिपी आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। और समर में ये सब रेसिपी तो भाई देख के ही मुँह में पानी आ जाता। तो ठंडा ठंडा हमारा तरबूज का जूस बन के रेडी हो गया है, वाटरमेलन जूस। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें, आप लोग को डेफिनेटली ये बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करूँगी ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन का ब्लॉग। तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।